महानगर में सोमवार को शहर के डायट दफ्तर के सभागार में कार्यक्रम के दौरान एसपी ट्रैफिक अजित प्रकाश वर्मा ने ट्रेनिंग टीचरों को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाया। इस दौरान ट्रेनिंग टीचरों ने ट्रैफिक नियमों का संकल्प पत्र पढ़कर यातायात नियमों के पालन करने की शपथ ली। खासकर ड्राइविंग के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के बाद ही ड्राइविंग करने का संकल्प लिया। वहीं नौकरी पाने के बाद ट्रेनिंग टीचर अपने छात्रों को भी ट्रैफिक नियमों के पालन करने की सीख देने की बात कही। गौरतलब है कि यातायात नियमों के साथ ही दुर्घटना से बचाव के उपायों को लेकर संकल्प पत्र का पंपलेट बनाया गया है, जिसमें हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र किया गया है, जिसका पालन करने से हम ड्राइविंग के दौरान हादसों की चपेट में आने से बच सकते हैं। वहीं SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने इस मौके पर कहा कि ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज 400 ट्रेनिंग टीचरों को संकल्प पत्र की शपथ दिलाई गई है, ताकि आने वाले समय में टीचर बनकर छात्रों को ट्रैफिक नियमों की सीख दे सकें। इसके साथ ही SP ट्रैफिक ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के संकल्प पत्र में यातायात नियमों की बारीकियों का समावेश किया गया है, ताकि इसका पालन करके लोग असमय दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान को न गंवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, भले ही रूल्स रेगुलेशंस के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पंपलेट छप जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये संकल्प पत्र के रूप में अभी कहीं नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अनूठा है, तो अनूठा प्रयोग मैं डैट में ही करने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला हुआ है, मैं नहीं कोई कर रहा हूँ इसका, और तो मैं चाहूँगा इसमें जो चीज़ें लिखी हैं एक संकल्प पत्र टाइप का है, आप लोगों के संकल्प पत्र मिल गया होगा, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग खड़े होकर मेरे साथ ये दोहराएंगे। छात्रों के लिए निर्धारित गति सीमा में ही बाजारों से कि मैं मोड़ों पर बरसात में कोहरे के समय वाहन की गति इस प्रकार रखूंगा कि उस पर नियंत्रण हो सके, वाहन की ओवरटेकिंग नहीं करूंगा, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाऊंगा, मैं चलूंगा तो ड्राइवर को तेज गति से वाहन चलाने के लिए नहीं उकसाऊंगा, और यदि वाहन चालक तेज गति से वाहन चला रहा होगा तो मैं उसे गाड़ी की गति धीमी करने के लिए सख्ती से कहूंगा। इसमें चालक किसी नशे का सेवन किए हुए है उस वाहन में नहीं चलूंगा, और चालक को भी वाहन चलाने से मना करूंगा, वो नशे की हालत में गाड़ी ना चलाए। अपने वाहन का बीमा सड़क सुरक्षा का भी पालन होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा तथा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। या बीमारी की हालत में होगा तो मैं वाहन नहीं चलाऊंगा, और की स्थिति में या बीमारी की स्थिति में वाहन चलाने से मना करूंगा, यातायात सिग्नल्स का आप लोग इनको बार बार पढ़िए। मैं कोई भी ये टेक्स्ट बुक नहीं है कि इसको पढ़ने में बोरियत महसूस हो, ये आपके जीवन से संबंधित है।
ये मजाक का विषय नहीं है, गंभीरता का विषय है। हम लोग इसको इतने प्रयास करने के बाद इसे बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है आपके जीवन की रक्षा हो, आपके परिवार के लोग जीवन की रक्षा हो, आप सभी लोग समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा यही है, इतना ही मैं आप लोगों को समझ में लेने आया था कि आप लोग इसको पढ़ें, मनन करें और फॉलो करें। वो कंडीशन बता दीजिए प्रॉपर, आप एक रेशनल हो कि आप सभी लोग रेशनल व्यक्ति हैं जो यहाँ पर बैठा हुआ है समाज का। मेरा विश्लेषण यही है कि जो जितने भी हाई स्कूल जगह हैं सब जगह पर आप सभी लोग नहीं हो, बाकी लोग बस से आते हैं। अच्छा, गर्ल्स में कितने गर्ल्स जो है चारों पास? अच्छा, आप नॉन नोट के लिए इनको मेरी तरफ से प्रशस्त पत्र दीजिए। अच्छा, चार जो लड़कियां जो है हेलमेट पहन के मेरी तरफ से ले है पंद्रह लड़कियों का लिए जो हेलमेट के साथ आते हैं, हेलमेट के साथ आप उनका वेरिफिकेशन फिजिकली वेरिफिकेशन भी कर लीजिएगा, फर्जी टाइप का नहीं। वैसे तो हम लोग हमेशा ट्रैफिक रूल्स को ये पालन करें इस बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज जो है विशेष रूप से जो एसपी साहब ने जो इस कार्यक्रम की जो संकल्प जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के बारे में इस कार्यक्रम की शुरुआत डाइट से किया, तो यह हमारा सौभाग्य रहा। इसके लिए मैं एसपी ट्रैफिक साहब को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, संस्थान की तरफ से भी जो है, और मैं यह आशा दिलाता हूँ कि जो भी हमारे ये प्रशिक्षु हैं हम सभी लोग जो है ट्रैफिक रूल को पालन करेंगे तथा हमेशा ये संकल्प लेते हैं और इस आपको आश्वस्त भी करते हैं कि हमेशा जो भी प्रशिक्षु हैं इनमें जो भी संकल्प हैं उनका हम लोग पालन करेंगे तथा दूसरों को भी पालन करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। हमेशा जब भी हम लोग सड़क पे चलते हैं वैसे हम लोग सभी रूल्स का पालन करते हैं, लेकिन विशेष तौर से इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम स्वयं तो पालन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ दूसरों को भी इसके पालन करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। देखिए, यातायात के नियमों के विषय में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं और उसके कारण दुर्घटनाएं कारित होती हैं, तो उन चीज़ों को मैं लोगों को बताने आया हूँ और उसी अनुक्रम में मेरे द्वारा ये छोटी छोटी बातों को मेमोराइज़ करके एक संकल्प पत्र के रूप में बनाया गया है जिससे कि लोग दुर्घटनाओं से बचें और अपने जीवन की रक्षा कर सकें। जी, जैसे ये होता है कि लोग सामान्यतया नशे की हालत में चले जा रहे हैं, लोगों को पता है कि ड्राइवर शराब पिए हुए और उसमें बैठना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, तो मैंने उसमें संकल्प पत्र में डाला कि भाई अगर आपको पता चल जाएगी आदमी नशे की हालत में, आप उसके वाहन से मत जाइए कितने भी जल्दी में हो। आप अगर आप जल्दी में हैं और उसी नशे की हालत में और एक्सीडेंट कारित कर देगा तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग अपने स्वार्थ में चले जाते हैं कि नहीं मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो उन सब चीज़ों को लोगों को ध्यान करना पड़ेगा और अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ेगी। बिना मतलब में अपनी जान मत गंवाएं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें उनको देखें, उनका अनुसरण करें और अपना जीवन बचाएं।